وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. मोहतरम सामिले कराम, अभी हम लोग जंगे उहुद को सुन रहे थे और इस ताल्लुक से बहुत सारी बातें आ गई थी और यहाँ तक सुन चुके थे कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके अस्हाब उहुद के पहाड़ी में फिर से वापस लौट जाते हैं, महफूज अपने जितने भी लोग थे उनको लेकर के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस उहुद पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचाओ और दीगर सहाबाए कराम की हिफाजत के लिए एक बहुत अच्छी चीज हुई और एक बहुत बहुत बड़ी कामयाबी भी कह सकते हैं कि खालिद बिन वलीद और उनके दस्तों ने जिस तरह से कोशिश की कि पहुंचने नहीं दिया जाए, लेकिन बहरहाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पहाड़ी तक पहुंचने में कामयाब रहे और उनकी कोशिशें नाकाम रहीं। इसी बीच में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दुश्मन उबै बिन खल्फ, इन्होंने कहा कि जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घाटी में थे, कहा कि आज या तो मैं रहूंगा या मोहम्मद रहेगा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहा कि आज या तो मैं रहूंगा या मोहम्मद रहेगा, यानी मैं मोहम्मद को कत्ल करना चाह रहा हूँ। जैसे सहाबाए किराम ने उनकी ये बात सुनी तो सहाबाए किराम उन पर हमला करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको रोक दिया और उसके बाद अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उनको करीब आने दो। जब वो शख्स करीब आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सहाबी से नेजा लिए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबै बिन खल्फ की जो हलक के पास थोड़ी सी जगह बाकी थी जहां पर उन्होंने जंग के लिबास पहने हुए थे उसमें से थोड़ी सी जगह यहां पर बाकी थी तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उबै बिन खल्फ पर वहीं पर वार किया और उन्हें जख्मी कर दिया और इस कदर वो जख्मी हुआ कि वो जमीन पर गिर पड़ा अपने घोड़े से और बार बार कोशिश किया, अपने घोड़े का सहारा उन्होंने लिया लेकिन वो उठ नहीं सका। कुछ देर के बाद वो उठा और कुरैश मक्का के पास गया और कहा कि हाय मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। कहा कि कुरैश के लोगों ने कहा कि क्या बात करते हो, असल में जो जख्म था उनसे खून आना अब बंद हो गया था और वो जख्म भी मामूली था, लेकिन चूंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसे कह दिए थे, उबै बिन खल्फ को कह दिए थे कि मैं तुम्हें कत्ल करूंगा, तो इस डर से जो है उबै बिन खल्फ पूरी जिंदगी जी रहा था और आज अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मौका मिला और जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन पर वार किए तो इस डर की वजह से उन्होंने अपने आप को और भी ज्यादा सदमे में ले लिया और कहा कि मुझे मोहम्मद ने कत्ल कर दिया। तो कुरैश के लोगों ने कहा कि खून भी नहीं है, कोई जख्म भी दिखाई नहीं दे रहा है, कहते हो कि मोहम्मद ने मुझे कत्ल कर दिया। उबै बिन खल्फ कहता है कि आज अगर मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे ऊपर सिर्फ थूक देता तो मेरी जान चली जाती। बहरहाल ये जाते जाते जो है सफर ही में मक्का पहुंचने से पहले पहले इनका इंतकाल हो जाता है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है जब पहाड़ी पर चढ़ रहे थे, उहुद के पहाड़ पर चढ़ रहे थे तो तमाम साथियों के साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ाई में चढ़ रहे थे। इसी दरमियान में एक बीच में चट्टान थी जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बार बार कोशिश कर रहे थे कि चढ़े ऊपर चढ़े, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है भारी जिस्म की वजह से कि जो जंग में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इतना कुछ हुआ और इसके ऊपर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम डबल जरह पहन करके रखे थे लड़ाई के लिए और इसके साथ साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चूंकि बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे तो उस चट्टान पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चढ़ नहीं पा रहे थे। हजरत तलहा बिन उबैदुल्लाह आए और उन्होंने अपने कंधे पर लिया और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके कंधे के सहारे से उस चट्टान पर चढ़ने में कामयाब हो गए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम जो इस पहाड़ी पर चढ़ चुके थे उहुद की पहाड़ी पर और एक सेफ जोन में आ चुके थे तो इसी में अबू सुफियान और खालिद बिन वलीद इन दोनों ने फिर से
कुछ लोगों को लेकर के ये कोशिश किया कि फिर से हमला किया जाए, और हमला करने के लिए ये लोग पहाड़ पर चढ़ने की कोशिश की। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम देखे तो सहाबाए किराम आगे आगे आए और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अल्लाह के रसूल चले हम और इनको इस पहाड़ी पर चढ़ने से हम रोक सकते हैं। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उमर तुम जाओ, और बस सहाबाए किराम हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के साथ गए और उनको जो है पहाड़ पर चढ़ने से रोक दिया और उन्हें नीचे भगा दिया। हजरत सअद बिन अबी वक़ास कहते हैं कि हम जो है जो कोई भी पहाड़ पर चढ़ रहे थे उन पर हम तीर मार रहे थे, और एक तीर तो ऐसी भी थी जिसको हम उठा करके फिर से उन पर वार कर रहे थे। तो इस तरह से जो है इन लोगों की जो है ये आखिरी हमला था जो मुशरिकीन ने मुसलमानों पर किया था, और इसके बाद जितने भी मुसलमान शहीद हुए थे ये जो है बहुत ही बदतरीन लम्हा कह लीजिए जो मुसलमानों ने देखा, वो ये कि जितने भी मुसलमान शहीद हो गए थे तो उन मुसलमानों के दरमियान से जो है, अब चूंकि मुशरिकीन ने मक्का को ऐसा लग गया था कि अल्लाह के नबी शहीद हो चुके हैं, उन्हें यकीन भी हो गया था। हजरत मुसअब बिन उमैर जो शहीद हुए थे तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमशक्ल थे, तो उन लोगों को यकीन हो गया कि अल्लाह के नबी शहीद हो गए, इसलिए ये लोग जो है मक्का अब वापस रिटर्न होने लगे, वापस होने लगे। इसी दरमियान में कुछ मुशरिक मर्द और मुशरिका औरतें जो हैं वो शोहदा मुसलमान शोहदा की जो है जिस्म और बॉडी के साथ जो है वो खिलवाड़ कर रहे थे, यानी जिसको मुसला कहते हैं, जिसे नाक कान और इसी तरह से जिस्म की बॉडी के एक दो आज़ा को इस तरह से काटना, इसको मुसला कहते हैं। और मुशरिकी ने मक्का में से मर्द और औरतें जो है मुस्लिम जो है मुसलमान शोहदा जो है उनके मुसला कर रहे थे। और इसी दरमियान हिंद बिनते उतबा हजरत हमजा रज़ी अल्लाह अन्हु के जिस्म से जो है खेल रही थी, और इस कदर खेल रही थी कि उन्होंने ना कान तो काटे लेकिन उसके साथ कलेजों को निकाल करके वो चबा रही थी और कोशिश कर रही थी कि उसको निगल जाए, लेकिन वो निगल नहीं पाई और फिर थूक दी, और नाक और कान को हाथ और पाजेब बना करके इन्होंने अपने जिस्म में लटका लिया। ये बदतरीन लम्हा था जो मुसलमानों ने देखा, बहुत ही अफसोस लग रहा था। यही वजह है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हिंद बिनते उतबा से जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कराहत महसूस कर रहे थे, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को याद आ जाते थे अपने चचा हजरत हमजा रज़ियल्लाहु अन्हु के बारे में। बहरहाल इसी दरमियान में आप जरा देखिए सहाबाए किराम को जोश और जज्बा कि आखिरी हद तक सहाबाए किराम लड़ने नहीं छोड़े। बस इसी बात को कह के हम बात को खत्म करते हैं कि सहाबाए किराम आखिरी वक्त तक जो है लड़ने नहीं छोड़े। काब बिन मालिक कहते हैं कि हम देख रहे थे कि एक मुशरिक जो है मुसलमानों के शहदा के लाश के ऊपर से गुजर रहे थे, और वो ये कह रहा था कि ये बकरी की तरह कट गए। ताकि दूसरी तरफ हमने देखा कि एक जिरह पहना हुआ एक शख्स मुसलमान उधर भी खड़ा है और ये काफिर इधर से यही कहता हुआ जा रहा है, ताकि मैंने दोनों के दरमियान में जो है मुआजना किया और एक दूसरे को तोल करके देखा तो मैंने काफिर को ज्यादा मलबूस पाया, अच्छे तरीके से हमने उनको हथियार से लेस पाया, लेकिन जब ये दोनों करीब आए और दोनों में आपस में लड़ाई हुई तो हमने देखा कि जो मुसलमान थे उन्होंने उनके जिस्म के ऊपर से इस तरह से वार किया कि बीच में दो तरह से काफिर कट गया, और जब वो मेरे करीब आया और उन्होंने जिस्म का जो लिबास था चेहरे का जो लिबास था उनको उठाया तो कहा कि काब कैसा रहा मेरा ये वार कैसा लगा। दरअसल ये अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु थे। कौन थे? दरअसल ये अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु थे जिसको अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी लाठी दिए थे, और पूरे जंग में अबू दुजाना रज़ी अल्लाह अन्हु ने एक बेहतरीन कारकर्दगी की। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों के दिलों में भी ऐसी ही जोश जज्बा और ईमान पैदा कर दे जिस तरह से सहाबाए किराम के दिलों में जोश जज्बा और ईमान था। आमीन। वाखिर दावा अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।